अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमेरिका में ऐसा भूतघर बनाया गया है जिसे अबोर्ड करने के लिए 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं और तमाम मराहल पार करने वाले के लिए $20,000 का इनाम भी रखा गया है। दोस्तों, दुनिया भर में भूतघर तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ फनकार खौफनाक रूप धारे आपको डराते या रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी काम को अगले दर्जे तक एक भूतघर में पहुंचा दिया गया है, जिसे एमसी गैमी मैनर का नाम दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका में नाश वैली और हैंडसन वैली में कायम भूतघर के मालिकान के मुताबिक इस ड्रावनी नगरी को एन इंसानी नफ्सियात के तहत बनाया गया है। इसके मालिक रूस एमसी कैमी हैं, जिन्होंने घर के अंदर तमाम मराहल अबूर करने वाले बहादुर और शेर दिल के लिए पाकिस्तानी 30 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक यहां आने वाले शख्स के असाब आनी होने चाहिए और इनकी उम्र 21 साल से जायद अलग शर्त है, जिसे पूर करके आप अपनी जिम्मेदारी पर अंदर दाखिल होंगे। दोस्तों, भूल भुलैयों की तरह बने इस खौफनाक घर में इंतहाई माहर फनकार खौफनाक तरीन मेकअप के साथ आपके सामने आएंगे। अंदर का माहौल पोशीदा और तारीख है। कई जगह जाली खून के तालाब भी बने हैं। यहाँ सबसे खतरनाक जगह टॉर्चर हाउस है, जहाँ लोगों पर इंतहाई बेतरती से तशद्दुद किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस तस्वीर में एक झलक देख सकते हैं कि किस तरह एक खातून इस खौफनाक घर से गुजर रही हैं। माहौल में डरावना म्यूजिक जारी है। रेफ्रिजरेटर में इंसानी अजार रखे हैं। आदमखोर और देगर करदार आपको पकड़ते हैं और घेरते हैं। दोस्तों, बाज़ अफरियत आपके सामने अपना गला काटते दिखाई देते हैं और आदमखोर आप पर खून की कै भी करते हैं। दोस्तों, रस एमसी कैमी के मुताबिक ख्वाह आप कितने ही हौसला मंद हो, मगर इसके तमाम मराहल अबूर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 घंटे तवील ये खौफ घर आपको बुरी तरह थका देता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से निकलने के लिए आपको चाबियों की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर शुरुआत रास्तों और चाबियों को अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, भूतघर की वेबसाइट पर लोगों के अंदर से बनाई गई वीडियो भी देखी जा सकती है, जिसमें वो खौफ ज़दा और बेजार दिखाई देते हैं। इनके ऊपर मकड़ियाँ गिरती हैं और लाशों पर चूहे दौड़ते नजर आते हैं। इस खौफनाक मंजर को अब तक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है। दोस्तों, अगर आप खुद देखना चाहें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।